ये लो चीकू, अमरूद का ताजा ताजा जूस। पी के बताओ तो सही कैसा है। मम्मी जी, दादी, ये देखो चाची ने अमरूद का जूस लाया है, आप भी पी के देखो ना। नहीं 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 चीकू, दादी अमरूद का जूस नहीं पीती है, उन्हें अमरूद से एलर्जी है। एलर्जी है? तो क्या होगा चाची, अगर थोड़ा सा अमरूद का जूस पीलेगी तो क्या हो जाएगा? अगर थोड़ा सा वो अमरूद का जूस पी लेंगी तो वो बीमार हो जाएंगे। तुम चाहते हो दादी बीमार हो जाए? जाओ चीकू, अपने रूम में जाके पी लो। मम्मी जी, हम आपके लिए खीरा काट दे? नहीं नहीं नीलम्बू, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस ये पूछने आए थे कि तुम्हारा गृहिणी मंडल का काम कैसे चल रहा है। मम्मी जी, बहुत अच्छा चल रहा है, हमें वहाँ काम करके बहुत खुशी मिल रही है। मम्मी जी, हम आपसे एक बात कहें, हम थोड़ा थक गए हैं, हम अपने रूम में जाके थोड़ा आराम कर लें। मम्मी जी, डिनर में कन्हैया और सोना का तो खाना बनेगा नहीं ना, वो तो शायद पार्टी से ही खा कर आएंगे। हम अपने रूम में जाके आराम कर लेते हैं, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो हमें आवाज दे दीजिएगा। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम जाके आराम करो, जाओ। जी मम्मी जी। कि कैसे सोना बहू और कन्हैया बीच पार्टी से वापस नहीं आते घर। सोना जी देखना, सब लोगों में सबसे अच्छी जोड़ी आपकी और हमारी लगेगी। अच्छा, और नहीं तो क्या, सब लोग कहेंगे देखो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। और अगर कंपटीशन होगा तो भैया फर्स्ट पुरस्कार भी आपको और हमको मिलेगा। हाँ। बस अभी पहुंच जाएंगे फटाफट। क्या हुआ? अरे कोई फोन आया है। नीलम भाभी। हाँ भाभी। हेलो कन्हैया, कन्हैया मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या? उन्हें अचानक एलर्जी अटैक पता नहीं कैसे शुरू हो गया है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। देखो हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी तबीयत देखकर लगा कि तुम्हें बता देना चाहिए, अगर उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो कहीं एडमिट। भाभी 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 देखिए, हमारी बात सुनिए, आप हिम्मत रखिए, बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत घबराइएगा, हम बस अभी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ? सोना मम्मी जी की तबीयत खराब है। क्या? हाँ बैठो जल्दी। Come on Julie, pick up the phone, phone उठा लो यार। Thank God Julie तूने phone answer कर लिया। Look, I'm really sorry, okay? मेरा इरादा जरा भी नहीं था तुम्हें hurt करने का। I hope you understand, हाँ? देखिए, आप बार बार इस तरह से फोन मत कीजिए। एक बार जूली ने कहा ना कि उसको आपसे बात नहीं करनी है, फिर आप क्यों उसे परेशान किए जा रहे हो? Look, I swear मैं जूली को तंग नहीं करूंगा, ओके? But please, सिर्फ एक बार। एक बार मेरी जूली से बात करा दीजिए, सिर्फ एक बार। I request you, please. यार, मैं प्लीज सुन सुन कर ना परेशान हो गई हूँ, गिड़ गिड़ा रहा है बार बार, प्लीज प्लीज बात कर ले एक बार। यार एक बार कहा ना नहीं। जूली, बहुत हो गया, प्लीज एक बार बात कर ले।
हेलो जूली, जूली I'm really very sorry, okay? देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था और मैं अभी भी बोल रही हूँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। प्लीज जूली डोंट हैंग अप, फोन मत काटना। प्लीज जूली इतना मत कहो, इस बार मैं सच में तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। मैं एक घंटे में मिलता हूँ तुम्हें अनुभवन के पास। क्यों क्यों मिलोगे तुम मुझे और वो भी अभी क्यों? मुझे तुमसे नहीं मिलना मतलब नहीं मिलना। नो इस बार कोई गलती नहीं होगी। और हाँ, अगर इस बार मैं तुमसे पहले नहीं पहुँचा तो तुम मुझसे कभी बात नहीं करना। ठीक, लेकिन अगर इस बार कोई गलती नहीं होगी जूली, ये वादा है मेरा। दीदी बुखार तो अब भी है। मम्मी जी गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाता तो व्हाट विल हैपन हम सबका। अरे रेनू बहू हमारी तबीयत खराब है और तुम्हें अपनी सूझ रही है। अब इस हालत में क्या हम तुम्हें एक जिंदगी का पाठ सिखाएं? सॉरी मम्मी जी, वो ना हम बहुत इमोशनल हो गए ना तो हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि हम क्या सही कर रहे हैं। सॉरी मम्मी जी। क्या हुआ आपकी तबीयत पर? मम्मी जी एकदम से कैसे आपकी तबीयत खराब होगी? पता नहीं क्या हो गया बेटा, जब अपने लोग पास ना रहे तो इस उम्र में तो बीमारी ही सबसे बड़ी दोस्त बन जाती है। अरे मम्मी जी अब आप देखिए इधर उधर की बात छोड़िए, आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं, दवाई टाइम पे नहीं लेती हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो गया होगा आप। आपको डॉक्टर ने कहा था कि परहेज करना बहुत जरूरी है, आप है कि मानती नहीं है यार। लेकिन कन्हैया बेटा विश्वास मानो हमारा, हमने कुछ भी उटपटांग नहीं खाया। अरे नीलम बहू क्या जरूरत थी सोना बहू और कन्हैया को वापस बुलाने की? कभी कभार तो बेचारे बाहर जाते हैं, तुमने इनकी शाम क्यों खराब की भाई? ये नहीं मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा हुआ नीलम दीदी ने हमें तुरंत बुला लिया, नहीं इस बात के लिए हमें जिंदगी भर पछतावा रहता। और पार्टी वार्टी तो होती रहती है, सबसे ज्यादा जरूरी आपकी सेहत है। सही बात है। आखिरकार सोना और कन्हैया की शाम खराब हो ही गई, कुछ भी कहो इस बीमारी के कष्ट से हमारी जीत की संतुष्टि ज्यादा आरामदायक है। अब नीलम भाभी डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर ने तो कहा है किसी एलर्जी का रिएक्शन, उन्होंने जो दवाइयां दी हैं वो तो हमने मम्मी जी को दे दी, पर उन्होंने कहा है कि बुखार रात भर रहेगा। देख लीजिए कहे थे हम। मम्मी जी एक बात बताइए, अगर आपका एलर्जिक रिएक्शन बढ़ जाता तो फिर क्या होता? अब और कितना धक्का खाएगी ये पुरानी मशीन बेटा, वैसे भी अब हमारी उम्र हो गई है बेटा, एक ना एक दिन तो सभी को ऊपर जाना है। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप, अरे आपको अभी कुछ नहीं होने वाला। अरे ये तो आपको चीकू की शादी करवानी है मम्मी जी। चीकू की शादी तक? हम तो कब से प्लान कर रहे हैं कि ये मशीन जल्दी से काम हो और हमारी भक्ति का बंटवारा हो। ये मशीन तो कब से रनिंग सो फास्ट एंड फाइन।
भी तुम क्या घूमो तो सामने देखो सड़क एक पार कहा डर रहा था कि तू पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगी। मैं तुम्हारे चाचू का फ्रेंड भी तो और शायद इसीलिए मैं अपने आप को छिपा रहा था। ओह, तो ये वजह थी मेरे आगे पीछे ऐसे छिप छिप कर नाटक करने की। जूली, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सीधे आके तुमसे कुछ कह पाऊँ। अगर सीधी हिम्मत नहीं है मुझसे कुछ कहने की तो आप मेरे साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। पता है मैं आपको कितना पसंद करती हूँ। इनफैक्ट जब आप पहली बार मेरे घर पे आए थे मैं तभी से आपसे प्यार करने लगी हूँ। तब आप मेरे लिए अजनबी थे जिससे मैं प्यार करने लगी थी। लेकिन अब मेरे मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको पसंद तो करती हूँ लेकिन प्यार नहीं। और आप में तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि आप मुझसे सीधा कह पाते कि आप मुझसे प्यार करते हो। तो दुनिया के सामने आप मेरा हाथ कैसे पकड़ोगे। रिक्शा जूली, जूली पार्लर का काम है, लिस्ट विस्ट बनानी है। पार्लर में जो सामान खत्म हो गया है ना वो मंगवाना है। तो हम जाएं मम्मी जी? अब जैसे ही जाबू मेरा मतलब है कि जब आपको जरूरत होगी तब मैं आ जाऊंगी। मम्मी जी सेम यार, हमें भी ना अब जाना है। हमें चीकू का ना लेसन करवाना है। लेसन जैसे ही हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। हम जाए ना मम्मी जी? हाँ भाभी, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए अपना काम कर लीजिए। यहाँ मम्मी जी के पास हम और सोना जी हैं, हम देखभाल कर लेंगे, संभाल लेंगे। दीदी हम यहाँ हैं, आप भी जाइए, जाके आराम कर लीजिए। सुबह से आप काम कर रहे हैं। अरे नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। अरे दीदी, अब आप जाके सबको खाना परोसेंगी, फिर किचन पूरा साफ करेंगी। वो सब करते करते वैसे ही बहुत लेट हो जाएगी। आप कोई मशीन तो है नहीं कि चाबी भरते रहे और आप जल्दी जाए जल्दी जाए। पूरा मंडल का काम भी आपके जिम्मे में है। आप जाइए दीदी, जाइए ना। अरे नीलम भाभी,
आप भी हमारे संकोच में पड़ जाती हैं, इसमें फॉर्मेलिटी की क्या बात है? अरे जरूरत होगी आपको बुला लेंगे। ठीक है, तुम कह रही हो तो जा रहे हैं, पर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लेना। बुला लेंगे। मम्मी जी का ख्याल रखना। हम सोना बहू, तुम भी जाके आराम करो, कन्हैया है ना हमारे पास बैठा, जाओ तुम। नहीं मम्मी जी, नीलम दीदी या हम में से किसी एक का रुकना तो बहुत जरूरी है, आपको अगर किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो हम रुक जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मम्मी जी, आप इन सब बातों के बारे में क्यों सोच रही हैं? ये यहाँ पर हम हैं, सोना जी हैं आपकी देखभाल करने के लिए, आप टेंशन फ्री रहिए, बेफिक्र होके सोइए मम्मी जी, कोई कोई चिंता की बात नहीं, कोई परेशानी। हाँ। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, ये सोना बहू भी ना बहुत टेढ़ी है, कन्हैया से जोंक की तरह चिपकी रहती है। जूली, तुम्हारी बर्थडे पार्टी कैसी रही तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ? इसे क्या हो गया? घर से निकली थी तो अच्छे मूड में थी, और अब जागी थी या? एक काम करिए, आप सो जाइए। नहीं, हमें नहीं सोना। क्यों नहीं सोएंगे? एक काम करते हैं, बारी बारी सो जाते हैं। आप पहले सो जाइए, 3 घंटे बाद हम आपको उठा देंगे, फिर हम सो जाएंगे। हाँ तो ऐसे करते हैं, पहले आप सो जाइए, हम बाद में सो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, आपकी आंखें तो देखिए कितनी लाल हो गई है, हमारा सोने का तो सवाल ही नहीं होता। चलिए उठिए, 3 घंटे बाद हम आपको उठा देंगे। 3 घंटे पक्का जगा देंगे? हाँ, उठा देंगे। प्रॉमिस। गुड नाइट।